आपने कभी एक एहसास किया है कि हमें एक छोटी सी चोट लगती है तो उसका दर्द कितना गहरा होता है? हम उसे काफ़ी दिनों तक सहलाते रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि और कुछ ज़्यादा ना हो जाए, और लोगों को बताते भी हैं कि चोट लगी है। और जब भी घाव अगर काफ़ी गहरा होता है तो लोग आपसे पूछते हैं, सहानुभूति बताते हैं, क्या कोई कंसर्न होता है, चाहे वो कंसर्न दिखावा ही क्यों ना हो, लेकिन लोग आके आपको पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका घाव कैसा है। ये सब सोचते सोचते मुझे एक विचार आया, जो लोग आत्महत्या करते हैं, मेरे भाई ने भी आत्महत्या की, और वो घाव अभी भी मेरे अंदर वैसे का वैसे ही है। वो ना ही कभी भरेगा, कभी नहीं भरेगा, क्योंकि अभी भी मेरे मन में एक सवाल है कि क्यों एक इंसान आत्महत्या क्यों करता है। मुझे ऐसे लगा कि लोग कायर होते हैं तो आत्महत्या करते हैं। बहुत सोचने के बाद में मैंने ये समझा है कि एक इंसान का दुख इतना असह्य हो जाता है कि जो इंसान अपने जीवन को ख़त्म कर देता है, वही इंसान एक छोटी सी चोट लगने के बाद में तिलमिला उठता था, घबरा जाता था, या अपने घाव को सहलाता था, या अपने चोट की चर्चा करता था अपने लोगों के बीच में, वही इंसान अपने जीवन का अंत कर देता है। सोचो कि उसके मन में जो चोट लगी है उसका घाव कितना गहरा होगा कि वो अपना जीवन ख़त्म कर देता है। आज मैंने समझा है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों के दुख का एहसास थोड़ा सा समझ पाई हूँ। एक इंसान किस तरह बेबस हो जाता होगा जो अपनों ने दी हुई चोट को सहना कितना असह्य हो जाता होगा, तभी जाके एक इंसान अपने जीवन का अंत करता है। क्योंकि सहते सहते एक इंसान अपने आप को मौके देता है, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है, और वो कल के इंतज़ार में उसका दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब जाकर वो अपने जीवन को अंतिम मोड़ देता है और अपने आप को ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो उसे आसान लगता है। जीवन भर का दुख जो उसने सहा है, जो असह्य है, ना वो सह सकता है, ना वो कह सकता है, तो वो इंसान आत्महत्या कर कर लोगों को स्वतंत्रता देता है कि जी लो आप अपनी ज़िंदगी, कि आप सुधरने से रहे और मेरी उम्मीदों ने अब दम तोड़ दिया है। तब जाकर एक इंसान अपने जीवन को ख़त्म करता है। ऐसे सभी लोगों से मुझे एक बात कहनी है कि अगर आप छोटी सी चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और को ऐसी चोट ना दें, ना ही ऐसी पीड़ा दें जो पीड़ा और जो चोट आप खुद सहन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान जो सहता है उसे ही उसका दर्द पता होता है। मेरी करनी मुझे ही पता है, मैं क्या हूँ सिर्फ मुझे ही पता है, मेरी बातें मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं कह सकता। आप सभी ऐसे लोगों से मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जानबूझकर या अनजाने में किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को चोट ना पहुंचाए। अगर आपको एहसास होता है कि आपने किसी का कुछ गलत किया है, आप फौरन उससे माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगना बहुत ही बड़ा काम है। जब भी आपको आपकी गलती का एहसास होता है तभी आप उस गलती को सही करने की कोशिश करें, थोड़ा सोच समझ कर जीने की कोशिश करें और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए।
क्योंकि आपका वो छोटा सा एहसास, आपकी वो छोटी सी गलती किसी के लिए जानलेवा हो सकती है। सोचे समझे और खुद का और दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।